तुम्हें बना देंगे हरियाणा का सीएम, ठीक है, बल्ले बल्ले, भाभी अपनी जिंदाबाद है, भाभी को भी कोई मंत्री पद दे देंगे फिर हरियाणा में, क्यों गोल्डी भाई? बिल्कुल। अरे भाभी को मंत्री से मंत्री देंगे तो भाभी क्या देगी, संतरी? आई एम सॉरी बाबू, ये तुम ऐसा करते हो और शादी की बात कर रहे हो, ऐसे बात करते हैं जिससे शादी करना चाहते हैं उसे ये फालतू बातें करते हैं, वो भी सबके सामने, जब नहीं, भी देख रहे हैं और साथ में हमारे गेस्ट भी हैं यहाँ पर, अरे ये जो नीचे दो लड़के बैठे हैं ना, ये दोनों को गंदी गंदी बात अच्छी लगे। आप अकेले में करो ना उनके साथ। तुमने ये क्यों बोला कि मैं सारे अमीरों को जानती हूँ, इसका क्या मतलब है? सही बात है, ये बता तू अब, इसका क्या मतलब है मैं अमीरों को जानती हूँ? क्योंकि तू है गोल्ड डिगर। ये क्यों सोचते हो तुम मेरे बारे में, कौन सी ऐसी चीज दी है मैंने जो तुमने ऐसे मेरे बारे में धारणा बनाई है, जरा बताना। मेरी बात सुनो, दीपक को इसी वजह से ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि राखी सावंत ने इसके काफी पैसे खा लिए हैं। आ गई पूरा मेरे 2 महीने का खर्चा है 8 करोड़ पता है तुम्हें, और वो पूरे के पूरे पैसे खा गई। ये अपने 36 बिरादरी के भाई 6 करोड़ बोला था यार, 6 करोड़ की जगह तुमने 2 करोड़ बोल दिया उस बेचारी लड़की पे, तुम कभी 2 करोड़ 3 करोड़, अभी डायरेक्टली 8 करोड़ कर दिया तुमने। वो ब्याज भी बोलोगे, ये ब्याज ब्याज चढ़ा रहा हूँ ना, ब्याज वो चढ़ा। मैं तुम्हें 4 साल से जानती हूँ, तुम्हारा कुछ खाया मैंने? हाँ खाती है ना, मैंने जो कश्मीर से तुझे बादाम भेजे थे, काजू भेजे थे, वो कैसे खा गई, निकल गई, खा गई। तुमने खुद भेजे थे वो, तुम अगर मेरे पास, मेरा एड्रेस तुम्हारे पास था, ठीक है तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है, अब तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे लिए कावा भेज रहे हो, केसर भेज रहे हो, तो मेरी गलती है ये इसमें, मैं पार्सल रिसीव भी नहीं करूं और क्या बोलूं, फेंक दो सारा उठा के, तो खाओ। तेरी गलती है कि तू चाट चाट के खा गई। मुझे तुम पसंद नहीं हो ना, कावा एंड ऑल सब पसंद था मुझे, केसर वेसर सब खाया मैंने, एप्पल भी खाए, कभी जबी लाल हो रही हो मैडम यहाँ से, जबी इतने रेड हो गए आप, जबी ये आपकी ग्लो कर रही है। दीपक तुमने भाई हमें नहीं दिया, मतलब मैडम को दे दिया, इनसे इतना भाई, ये तो केसर का असर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? दीपक मुझे ना मेरे दिल से ना दीपक उस दिन उतर गए जब इन्होंने ना अनूप जी के बारे में ना अनाप शनाप बोला मुझे बिग बॉस के बाद, और मैंने आज ये लाइव करने से पहले और भी कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जहाँ पे तुम बकवास में बकवास करे जा रहे हो उनके और मेरे बारे में, क्या है वो मतलब? अरे मैं तुम्हारे दिल से उतर गया, तुम्हारे दिल से थोड़ा उतर गया तो यहाँ तक आ गया, बड़ा हरामी हो बेटा। दीपक न्यूयॉर्क में बहुत फेमस है, दीपक को न्यूयॉर्क का बच्चा बच्चा जानता है, ये सच है ना? अरे मैंने लाइव होने के पहले तुम्हें कहा था, चालू होने के पहले कि मेरी हाँ में हाँ मिला ना, मिला ना, बात है, मैं सच्ची बता रही हूँ तुम्हें, मैं अपने लिए लड़का ढूंढ रही हूँ और मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही हूँ, ये फैक्ट है। नहीं नहीं बता, ये जो न्यूयॉर्क का है नीचे उसको तो सिग्नल दे रही है ना कि तू सिंगल है, मैं सच में घर के चली जाऊंगी, मैं सच में घर। मुझे तुम्हारे साथ ना बहुत सहेली वाली फीलिंग आती है यार, मतलब तुम मेरी फ्रेंड जैसी हो यार। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।